हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनिशियल फंडिंग के बारे में, जिसको कि इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ये इनिशियल फंडिंग या फिर इनिशियल डिपॉजिट क्या है और क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कोई एक ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कुछ ऐसे अकाउंट्स जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जिसमें हमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी उसमें हमें इनिशियल फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आखिर ये इनिशियल फंडिंग क्या है और इससे रिलेटेड आपके जितने डाउट्स, जो आपके क्वेश्चन, जो आपके क्वेरीज या फिर जो आपके कन्फ्यूजन, सबको मैं दूर करने वाला हूँ और आपके जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज, उनके मैं आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए जो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़कर बात कर लेते हैं इसी इनिशियल फंडिंग या फिर इनिशियल डिपॉजिट के बारे में। अब क्योंकि ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही क्योंकि इससे रिलेटेड किसी ने मुझे कुछ क्वेश्चन किया था, उनका कोई कन्फ्यूजन था। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन और क्वेश्चन हो, तो इसी के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे मैसेज करते हुए ये पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे बैंक अकाउंट्स में अकाउंट खोलते टाइम इनिशियल फंडिंग लिया जाता है, वो इनिशियल फंडिंग का पैसा हमको वापस मिलता है क्या कभी? मतलब कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, इनिशियल फंडिंग आपसे लिया गया, तो वो इनिशियल फंडिंग का पैसा आपको कभी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक अकाउंट है किसी बैंक का, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी बैंक का कोई भी अकाउंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि HDFC बैंक का आपने जो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आप विज़िट किए बैंक, और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, तो उसमें इनिशियल फंडिंग मतलब कि अकाउंट खोलते टाइम आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, और इसी को इनिशियल फंडिंग कहा भी जाता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 10,000 रुपये मान लीजिए आपने डिपॉजिट किए, इनिशियल फंडिंग किया, तो वो 10,000 रुपये कभी आपको वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इनका ये सवाल। या फिर आप इसी तरह से दूसरे अकाउंट्स, जैसे कि उनका सेविंग्स मैक्स अकाउंट है जिसमें 25,000 रुपये करने होते हैं, या फिर आप किसी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का ले लीजिए जिसमें कि 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं। तो ऐसे आप जो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का ले लीजिए कि आपने 1,000 रुपये से कोई अकाउंट ओपन किया क्योंकि उसमें 1,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, तो वो 1,000 रुपये कभी आपको वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इनका ये सवाल सबसे पहले था। तो खैर, मैंने उनको रिप्लाई करते हुए बता दिया था कि वो पैसा आप ही का होता है। तो इनका एक और सवाल है, सर अगर एक बार इनिशियल फंडिंग कर दिया, जो इनिशियल फंडिंग का पैसा है, अगर उसको विड्रॉ ना करें और उसको मंथली एवरेज बैलेंस के लिए रख दें, फिर और तो डिपॉजिट नहीं करना होगा ना मंथली एवरेज बैलेंस के लिए। तो अब ये यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने जो है इनिशियल फंडिंग कर दिया, अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे आपने डिपॉजिट कर दिया, अब मान लीजिए कि वो 10,000 रुपये वाला अकाउंट है या फिर जो है 25,000 रुपये वाला या फिर 1,000 रुपये वाला, 2,000, 3,000 जितने वाला भी अकाउंट है, तो उतने रुपये आपने जो है इनिशियल फंडिंग कर दिया, मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए उतने आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए अपने अकाउंट में, अब उतने ही एकदम पैसे हैं, उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ, तो अब क्या हमें अलग से उसमें मंथली एवरेज बैलेंस के लिए पैसे डालने होंगे? मान लीजिए 10,000 रुपये आपको चाहिए थे एक अकाउंट ओपन करने के लिए HDFC बैंक का या फिर ICICI बैंक का, तो अब जो है 10,000 रुपये से आपने अकाउंट ओपन किया था, अब अलग से उसमें फिर से 10,000 रुपये हमें ऐड करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या फिर जो हमने इनिशियल फंडिंग किया था वही इनफ? अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी 10,000 रुपये नहीं डिपॉजिट करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिपॉजिट करता है क्योंकि उसमें जो है डेबिट कार्ड का भी चार्ज लग जाता है। 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो उसमें डेबिट कार्ड का चार्ज लग जाएगा, 10,000 रुपये से नीचे का अमाउंट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है, कोई 11, कोई 12, कोई 15,000 इस तरह से इनिशियल डिपॉजिट करता है, तो इसलिए मैं पहले कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। और इसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक का भी, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड फ्री में इशू करते हैं, भले ही वो उसका जो एनुअल चार्ज लें नेक्स्ट ईयर से, और वहीं पे कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो फ्री में नहीं इशू करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा में डिपॉजिट करना होता है ताकि डेबिट कार्ड का चार्ज लगने की वजह से जो मिनिमम बैलेंस है वो कम ना हो, नहीं तो उस पर जो हमसे चार्ज लिया जाएगा, पेनल्टी ली जाएगी। तो खैर, ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो इनका ये एक सवाल था कि इनिशियल डिपॉजिट के अलावा फिर से क्या हमें अलग से पैसे डिपॉजिट करने होंगे मंथली एवरेज बैलेंस के लिए, या फिर जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया वही हमारा जो काउंट किया जाएगा मंथली एवरेज बैलेंस के लिए। और यहाँ पे इन्होंने क्लियर भी कर दिया इसको, इनिशियल फंडिंग का पैसा मंथली एवरेज बैलेंस के लिए यूज़ हो सकता है क्या, वही जो इनका क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दिया इन्होंने। अब बात कर लेते कि इनिशियल फंडिंग या फिर इनिशियल डिपॉजिट क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं और वो अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, और वैसे एक आध दो ऐसे भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जिसमें इनिशियल फंडिंग करना होता है, बाद में वो आप पैसे निकाल सकते हैं, तो बहरहाल उन अकाउंट के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप इसी तरह से किसी बैंक का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, मतलब एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट मान लीजिए यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में 1,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है।
तो जब आप ब्रांच विजिट करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जब आपका अकाउंट ओपन किया जाता है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आपको डिपॉजिट करना होता है, वो 1,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है। तो इसी को कहा जाता है इनिशियल फंडिंग। इस तरह से आप किसी भी बैंक का ले सकते हैं, HDFC का ले लीजिए, HDFC में 10,000 रुपये जैसे डिपॉजिट करना होता है, चेक वो लेते हैं, 10,000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो डेबिट कार्ड का भी चार्ज होता है ना। या फिर ICICI बैंक का ले लीजिए, या फिर एक्सिस बैंक का ले लीजिए, वो लोग 15,000 रुपये लेते हैं। मतलब किसी भी बैंक का आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जब अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच विजिट करते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन भी जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसमें भी इनिशियल फंडिंग करना होता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपका ये अकाउंट ओपन हो रहा है, एकदम फ्रेश आपका अकाउंट है, तो उसमें आप जो फ्रेश डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हुआ वैसे ही आपने डिपॉजिट किया, या फिर अकाउंट ओपन हो रहा है आपने डिपॉजिट किया, मतलब आजकल हो रहा है ना ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो रहा है उसमें आप डिपॉजिट कर दे रहे हैं, फिर आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिल जा रहा है, या फिर कुछ में जो ऐसा हो रहा है कि अकाउंट नंबर पहले ही मिल रहा है उसके बाद में आपको डिपॉजिट करना होता है। तो मतलब एकदम फ्रेश जो डिपॉजिट होता है, एकदम फ्रेश अकाउंट में नया अकाउंट और एकदम फर्स्ट टाइम फ्रेश डिपॉजिट जो किया जाता है उसको कहते हैं इनिशियल फंडिंग। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे डालते हैं, उसको कहते हैं इनिशियल फंडिंग या फिर इनिशियल डिपॉजिट। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि कोई जो अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसमें 1,000 की हो, 2,000 की हो, 3,000 की हो, 10,000 की हो, 25,000 की हो, 1,00,000 की, कितनी की भी हो, तो जो उसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए आपने अकाउंट ओपन किया तो उसमें आपको तुरंत पैसे भी डालने होंगे। अब उतने ही पैसे आपको उसमें डिपॉजिट करने होंगे जितनी की उसमें रिक्वायरमेंट है। 1,000 की रिक्वायरमेंट है तो 1,000, 2,000 की तो 2,000, 3,000 की तो 3,000, इसी तरह से जो है उसमें कुछ कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डिपॉजिट कराते हैं, हालांकि वो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट ज़रूर से कराया जाता है जिसमें कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इनिशियल डिपॉजिट ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। आप ब्रांच ओपन करा रहे हैं तो एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर अगर एक्टिवेट हो भी जाए तो क्योंकि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है ही नहीं तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उस पर चार्ज लगेगा नन मेंटेनेंस का। तो इसलिए ये इनिशियल डिपॉजिट ज़रूरी है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इनिशियल डिपॉजिट इसलिए ज़रूरी है कि आपको नन मेंटेनेंस का चार्ज ना देना पड़े। तो वहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट करना ज़रूरी है जहाँ पे एक ऐसा अकाउंट होता है कि वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। और भी कुछ ऐसे अकाउंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं फिर भी उसमें इनिशियल फंडिंग ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट नहीं ओपन होता है। और कुछ ऐसे बैंक है जो ओपन कर देते हैं भले ही वो इनिशियल डिपॉजिट आप स्किप कर जाएँ, जैसे इंडसइंड बैंक का यहाँ पर मैं बता देना चाह रहा हूँ। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या वो जो आपने इनिशियल फंडिंग किया, वो पैसे डाले हुए हैं, वो आपको कभी वापस मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको वापस से निकाल सकते हैं या फिर नहीं। तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं रहा उतना जितना कि उसमें रिक्वायरमेंट है मिनिमम बैलेंस की, तो उस पर पेनल्टी पड़ेगी, नन मेंटेनेंस का चार्ज देना होगा। दूसरे ये कि अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करा रहे हैं तो वहाँ पर जो इनिशियल फंडिंग है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। वो वापस करने के कई तरीके होते हैं, कुछ कैश में भी कर देते हैं और कुछ आपको जो है DD बना करके दे देते हैं, या फिर मैनेजर्स चेक जो होता है वो बना करके दे देते हैं, तो इस तरह से आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, या फिर चेक वैसे ही बना करके दे देते हैं, ज़्यादातर DD में वापस करते हैं। और इनका दूसरा सवाल ये था कि जब एक बार हमने इनिशियल फंडिंग कर दिया तो क्या अब हमें अलग से फिर से मंथली एवरेज बैलेंस के लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए कि किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है 1,000 रुपये, ठीक, और आपने अपना अकाउंट ओपन कराया 1,000 रुपये से, मतलब कि इनिशियल डिपॉजिट आपने 1,000 रुपये उसमें कर दिया और उसमें 1,000 रुपये आपने वैसे के वैसे छोड़ दिए, तो अब क्या आपको अलग से फिर से जो डिपॉजिट करना पड़ेगा 1,000 रुपये ताकि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो सके या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन हो सके, मतलब जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो सके? तो इनका दूसरा सवाल ये है। या फिर इसी तरह से आप प्राइवेट सेक्टर बैंक का ले सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक का या फिर ICICI बैंक का, जिसमें 10,000 रुपये बैलेंस रखने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। आपने 10,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन किया, इनिशियल फंडिंग किया और आपने वैसे के वैसे छोड़ा हुआ उसको 10,000 रुपये, कहीं से भी कम नहीं हुआ, 10,000 का 10,000 पूरा का पूरा है, तो क्या आपको फिर से 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे ताकि जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन हो सके? किसी बैंक का भी इसी तरह से ले सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। या फिर इसी तरह से आपने एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया हो जिसमें कि आपको 15,000 रुपये इनिशियल
पैसा डिपॉजिट करना होता है और उसमें मेरे ख्याल से अभी के टाइम में 15,000 रुपये बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। अब मान लीजिए चाहे 15,000 या फिर 10,000 रुपये, अब 15,000 रुपये आपने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया है तो अब क्या फिर से आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे मंथली एवरेज बैलेंस के लिए, या फिर वही जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया वो काफ़ी है? तो यहाँ पर इसका सवाल है सीधा सीधा कि नहीं, आपको कोई भी अलग से फिर बैलेंस डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया हो पूरा का पूरा अगर है जितना कि मिनिमम बैलेंस होना चाहिए है तो फिर आपको कोई भी अलग से बैलेंस डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्योंकि इनकी ये प्रॉब्लम थी कि इनके बैंक वाले ये कह रहे थे, इन्होंने 15,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन किया था इनिशियल डिपॉजिट करके, तो इनके बैंक वाले ये कह रहे थे कि आपने वो तो 15,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट किया हुआ है, आप फिर से 15,000 रुपये डिपॉजिट करिए मंथली एवरेज बैलेंस के लिए। तो इन्होंने मुझे मैसेज करते हुए बात पूछी थी, तो मैंने सोचा कि यार ये कौन सा मतलब अकाउंट है जिसमें कि 15,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट के लिए ले रहे हैं फिर 15,000 रुपये जो है मंथली एवरेज बैलेंस के लिए ले रहे हैं, तो इस तरह से 30,000 रुपये का अकाउंट हो गया, तो फिर वो कौन सा आखिर अकाउंट है कि उसमें इतना इतना बैलेंस जो है रखवाया जा रहा है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये गलत है, आप उनसे बात करिए, बात करके ये मामले को सॉर्ट आउट करिए। तो उन्होंने बात की, तो बाद में उन्होंने ये कहा कि आप वो जो 15,000 रुपये दोबारा से डिपॉजिट करेंगे वो आप ट्रांजेक्शन करके निकाल लीजिएगा, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए हम कह रहे हैं। तो मतलब ये आजकल चल रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट कर लेने के बाद भी दोबारा कस्टमर से कहा जा रहा है कि आप उसमें जो है अलग से डिपॉजिट करिए, ये कौन सी बात होती है? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल डिपॉजिट आपने किया हुआ, अब उसमें कोई भी डेबिट कार्ड का चार्ज वगैरह नहीं, मतलब आपने डेबिट कार्ड नहीं लिया, और अगर आपने डेबिट कार्ड लिया, अगर आपको डेबिट कार्ड लेना थोड़ा सा ज़्यादा आप डिपॉजिट करिएगा, जो मिनिमम बैलेंस होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप डिपॉजिट करिएगा इनिशियल डिपॉजिट, ताकि डेबिट कार्ड का चार्ज उसमें आपसे लिया जाए, तो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है वहाँ पे पूरी हो सके, इतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी देनी होगी। तो ये अगर आपने पूरा कर लिया है, मतलब कि इनिशियल डिपॉजिट आपने इतना किया है, अगर उसमें से डेबिट कार्ड का भी चार्ज ले लिया जाए तब भी जो है जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, और फिर से आपको जो है दोबारा से ये कहा जा रहा है कि वो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया अब दोबारा से इसमें डिपॉजिट करिए कि आप जो मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन कर सके, तो फिर वहाँ पे आप जो बैंक के खिलाफ कंप्लेन करिएगा क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं ना तो इनको फिर मुंह लग जाएगा, ये दूसरे कस्टमर से भी यही कहते फिरेंगे, फिर इन्हें ये रूल बना लेंगे, तो इसलिए आपको कंप्लेन करना है। वैसे बैंकों का क्या, कुछ भी रूल बना सकते हैं, बट हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब कुछ भी करें ये सही नहीं है। अदरवाइज़ ऑप्शंस बहुत सारे हैं, छोड़ सकते हैं आप, अगर कुछ ऐसा होता है ज़बरदस्ती आपके साथ किया जाता है कि नहीं आपको डिपॉजिट करना होगा तो छोड़ दिए, अकाउंट क्लोज करें, किसी दूसरे बैंक के पास चले जाइए, तभी जो है इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अलग से फिर से डिपॉजिट कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, और ये एक्सिस बैंक वाले कर रहे हैं। अब देखो एक्सिस बैंक के बहुत सारे फैंस होंगे, बहुत हार्डकोर फैन होंगे जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बट किसी कस्टमर को जब प्रॉब्लम आती है तो कम से कम आप उसकी प्रॉब्लम को समझें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, भले ही आप मदद ना करें, लेकिन कम से कम आप उस प्रॉब्लम को समझें। पूरी तरह से नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी कभी कोई ऐसा होगा तो फिर आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा, ना तो आपकी बात सुनेगा, उल्टे आपको ही खरी खोटी सुनाएगा। तो इसलिए जो एक्सिस बैंक के हार्डकोर फैन हैं वो इग्नोर करें इस प्रॉब्लम को, अगर वो इग्नोर करना चाहते हैं तो, और बाकी जो फैन नहीं है, जो कस्टमर हैं वो जो है इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखें। और दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मोबीक्विक के बारे में बताने वाला हूँ कि मोबीक्विक पे क्या आजकल फ्रॉड चल रहा है, किस तरह से ये जो है आपको पे लेटर की सुविधा दे देकर और आपका सिविल स्कोर डाउन कर रहे हैं। तो खैर मोबीक्विक के भी काफ़ी सारे बड़े बड़े फैंस होंगे, हार्डकोर फैन होंगे, उनको भी बुरा लगने वाला है, बट कोई नहीं, जो हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है वो हमें समझना है। मतलब कि हम यहाँ पे कस्टमर नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे हम फैंस बन जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। तो आपको एज अ कस्टमर बिहेव करना है, एज अ फैन नहीं कि आप किसी बैंक के फ़ैन हो जाएं, नहीं तो कभी को आपके ऊपर मुसीबत पड़ सकती है, फिर आपके हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि आप तो बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इसलिए ये बात आपको ज़रूर से ध्यान देनी है कि आप एक कस्टमर हैं, ना कि फ़ैन किसी बैंक के। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।